नॉर्मली तौर पे दोस्तों, अगर आप लोगों ने HTC वगैरह का स्मार्टफोन यूज किया होगा तो वहां पे कैमरे के स्पेसिफिकेशन में मेंशन रहता है कि यहाँ पे आपको अल्ट्रा पिक्सल कैमरा देखने को मिलेगा। तो ऐसे में से आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिरकार ये अल्ट्रा पिक्सल है क्या। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ अल्ट्रा पिक्सल के बारे में कि अल्ट्रा पिक्सल होता क्या है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष, आप देख रहे हैं हर्ष वीडियो, हर्ष वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस वीडियो को। दोस्तों मैं आपको बहुत ही सिंपल वर्ड में समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिरकार अल्ट्रा पिक्सल होता क्या है। नॉर्मली तौर पे दोस्तों मान लीजिए अगर एक कैमरा है तो कैमरा में आपको बहुत सारे कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, चाहे वो आपका स्मार्टफोन का कैमरा हो या फिर DSLR हो या फिर पॉइंट एंड शूट कैमरा हो, मतलब कि कोई भी कैमरा हो, सब जगह आपको कुछ कॉमन स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं। जैसा कि सब जगह आपको कुछ सेंसर रहते हैं आपके कैमरा में, अपर्चर रहता है, सेंसर रहता है, लेंस रहता है, मतलब कि बहुत सारे कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। तो एज अ एग्जांपल सेंसर जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मतलब कि जो मेन अल्ट्रा पिक्सल का रोल है वो सेंसर से है। एज एन एग्जांपल मान लीजिए कि आपको एक कैमरा देखने को मिल रहा है 12 मेगापिक्सल का, उसका ये सेंसर है। तो नॉर्मली तौर पे सेंसर ये एक 12 मेगापिक्सल का कैमरा का है, तो 12 मेगापिक्सल का कैमरा यानी सेंसर पे 12 मिलियन पिक्सल से, मतलब छोटे 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 डिगन से 12 मिलियन, जिसे हम लोग 12 मेगापिक्सल कह रहे हैं, तो मतलब 12 मिलियन यहाँ पे आपको पिक्सल देखने को मिलेगा। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे पिक्सल, सपोज दैट मान लीजिए पिक्सल का काम क्या है यहाँ पे, एज अ एग्जाम्पल अगर आप फोटो घिस रहे हैं तो वहां पे जो लाइट अंदर आ रही है तो आपके पिक्सल्स पे पड़ रही है, तो सारे पिक्सल्स पे लाइट अच्छे पड़ेगी, तो वही बेसिकली सारे पिक्सल्स मिलके एक फोटो को तैयार करेंगे जो बाद में आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। तो एज अ एग्जाम्पल मान लीजिए पहले जो आपको पिक्सल देखने को मिल रहा है कितने छोटा है, तो उस पर जो लाइट आएगा वो अच्छा से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। कंपेरिजन टू सपोज डेट मान लीजिए इतना बड़ा पिक्सल है और इतना छोटा पिक्सल है, तो इस पर लाइट आएगा तो उतना ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा कंपेयर टू दिस। तो एज अ एग्जाम्पल यही होता है यहाँ पे अल्ट्रा पिक्सल और पिक्सल। मान लीजिए कि एक सेंसर है जो 12 मेगापिक्सल के कैमरा के लिए ओके है, तो मतलब यहाँ पे आपको 12 मिलियन पिक्सल्स देखने को मिल रहे हैं। अब इसी में आप 50 मेगापिक्सल का कैमरा बैठा देते हैं, मतलब कि यही सेंसर को आप एक 50 मेगापिक्सल के कैमरा में लगा देते हैं, तो यहाँ पे आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा पहले देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको 12 मिलियन पिक्सल्स देखने को मिल रहे हैं छोटा छोटा। अब 50 मेगापिक्सल का हो गया तो यहाँ पे जो आपको पिक्सल्स देखने को मिलेंगे वो हो जाएंगे 50 मिलियन। तो ऐसे में जो पिक्सल साइज है वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अरे ये चीज है, इसी को आप पहले 12 मिलियन भाग में बांटिए, साइज होगा सपोज दैट इतना बड़ा मान लीजिए, उसी को अब आपको इसी को 50 मिलियन भाग में बांटना है, तो बेसिकली 12 मिलियन के कंपैरिजन में जो साइज होगा वो बहुत छोटा होगा। तो ऐसे में यहीं पे अल्ट्रा पिक्सल का रोल आ जाता है। एज अ एग्जांपल मान लीजिए कि ये जो सेंसर है एक 12 मेगापिक्सल के कैमरा के लिए ओके है, मतलब कि 12 मेगापिक्सल का कैमरा, 12 मेगापिक्सल के कैमरा में ये सेंसर बैठेगा तो एक अच्छा आउटपुट आपको देखने को मिलेगा। तो आप 12 मेगापिक्सल के कैमरे में सेंसर को न बैठा के एक 8 मेगापिक्सल के सेंसर में कैमरे को बैठाते हैं, तो यहां पे जो आपको 12 मेगापिक्सल को सेट कर लेता, मतलब कि 12 मेगापिक्सल ओके रहता 12 मिलियन पिक्सल, तो यही पे आपको 8 मिलियन पिक्सल देखने को मिलेंगे, 12 मिलियन पिक्सल नहीं, तो पिक्सल साइज जो है वो बढ़ जाएगा। तो पिक्सल साइज बढ़ जाएगा तो यहां पे फायदा क्या देखने को मिलेगा, नॉर्मली पिक्सल साइज कैसे बढ़ेगा मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए ये एक सेंसर है, ये भी 12 मेगापिक्सल के लिए ओके था, तो यहां पे इसको 12 मिलियन पिक्सल मतलब 12 मिलियन पार्ट में बांट दीजिए और इसी को 8 मिलियन पार्ट में बांट दीजिए, तो जो साइज होगा 8 मिलियन वाला का पिक्सल में वो कंपैरिजन टू 12 मिलियन थोड़ा बड़ा होगा। तो अब यहां पे बड़ा हुआ तो फायदा क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि लाइट आती है पिक्सल पे, सारे पिक्सल बहुत सारे पिक्सल्स मिलके एक फोटो को तैयार करते हैं। आप बेसिकली पिक्सल के अंदर भी आपको तीन कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, तीन लाइट रहती है, एक रेड, ब्लू, ग्रीन, बेसिकली तीनों मिलके एक आउटपुट को तैयार करते हैं। आप पिक्सल क्या होता है इतना गहराई में मैं अभी नहीं जाऊंगा, और आपको पिक्सल के बारे में जानना है तो आपको मेरे चैनल पे एक वीडियो देखने को मिल जाएगा पिक्सल से रिलेटेड। तो नॉर्मली तौर पे आप लोग समझ लीजिए एक इतना बड़ा पिक्सल हो गया और इतना छोटा पिक्सल हो गया, तो बेसिकली लाइट आएगी तो इसके कंपैरिजन में इस पे बहुत कम पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो साइज है बहुत छोटा है और इसका साइज ज्यादा है, तो यहाँ पे लाइट ज्यादा आएगी तो ये अच्छा ऑब्जर्व कर पाएगी। तो यही पिक्सल साइज आपका बड़ा या तो नॉर्मली लो लाइट में बेटर परफॉर्म कर पाएगा, तो इसी को हम लोग अल्ट्रा पिक्सल के नाम से जानेंगे, मतलब कि पिक्सल जो है बड़ा हो गया तो अल्ट्रा पिक्सल के नाम से जाना जाने लगेगा। नॉर्मली तौर पे बेटर ये कैसे करेगा, सपोज डेट लो लाइट है जहां पे ये पिक्सल बहुत छोटा है, तो यहाँ पे लाइट उतना नहीं आ पाएगा क्योंकि बहुत छोटा खुल रहा है, तो बेसिकली लाइट तो कम है प्लस में इसका साइज भी छोटा है, तो बहुत बढ़िया से लाइट नहीं देख पाएगा। इसका साइज थोड़ा बड़ा है तो लाइट कम भी है, तो इसके कंपेरिजन में बहुत ज्यादा लाइट देख पाएगा। तो यही हो गया पिक्सल साइज बड़ा हो गया, तो इसे हम लोग अल्ट्रा पिक्सल के नाम से जान गए। तो बेसिकली यही अंतर होता है यहाँ पे मेगा
पिक्सल में और अल्ट्रा पिक्सल में। अब बेसिकली बहुत लोग सोचते हैं कि मेगा पिक्सल अलग चीज है, मतलब कि मेगा पिक्सल और अल्ट्रा पिक्सल को कंपेरिजन करना चाहते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे मेगा पिक्सल और अल्ट्रा पिक्सल में कंपेरिजन नहीं हो सकता है, क्योंकि दोस्तों अगर एज एग्जाम्पल मैं 12 मेगा पिक्सल यानी कि 12 मिलियन पिक्सल है एक अल्ट्रा पिक्सल, मतलब कि अल्ट्रा पिक्सल जो बताया उस पिक्सल का साइज हो गया, अब 12 मिलियन पिक्सल उसका काउंटिंग हो गया कि यहाँ पे आपको 12 मिलियन पिक्सल देखने को मिलेंगे अल्ट्रा पिक्सल, तो वहाँ पे जो आपको 12 मिलियन पिक्सल देखने को मिल रहे हैं उसका साइज बड़ा है। तो बेसिकली ये हो गया पिक्सल और अल्ट्रा पिक्सल के बीच में डिफरेंस, मेगा पिक्सल और अल्ट्रा पिक्सल को आप कभी भी कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों यही होता है अल्ट्रा पिक्सल, अल्ट्रा पिक्सल कंपेरिजन टू पिक्सल साइज थोड़ा बड़ा होता है जिसके माध्यम से लो लाइट में बेटर परफॉर्म कर पाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार ये अल्ट्रा पिक्सल होता क्या है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इस वीडियो में इतना है दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।